मुझे ऐसे लगता है कि काश मेरा भी भाई होता जिसे मैं राखी बांधती, जिसे मेरी राखी का बेसब्री से इंतजार होता, जिसे मैं खूब सताती, फिर वो रूठ जाता, तेरे से मनाती। रिया, तू भी ना बिल्कुल फालतू बातों के लिए परेशान होती है। गणपति पप्पा है ना तेरे भाई, इन्हें राखी बांधकर तुझे अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है माँ, गणपति पप्पा को राखी बांधकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर फिर भी खालीपन सा महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी और को मेरी राखी का इंतजार है। अब तू ना फालतू की बातें मत सोच, ये ले मिठाई खा। अच्छा सुन, समीर सेन के साथ तुझे इंटर्नशिप के लिए कब जाना था? मुझे उसके साथ काम ही नहीं करना है। क्यों, क्या हुआ? उसके साथ काम करना तो तेरा सपना था ना बेटा। सपना रखती थी माँ, पर सपने और हकीकत में फर्क होता है। वो बहुत बददिमाग है, पता है आपको, उसके दिल में जानवरों के लिए प्यार ही नहीं है। आई डोंट नो जानवरों की इतनी अच्छी तस्वीरें कैसे खींचता है वो। रिया हुआ क्या, कुछ बताएगी मुझे? माँ मैं उस दिन गई थी ना डालमा फोटो खींचने, जो समीर सेन मुझे मिला था। अब आप ही बताओ माँ, जिस इंसान को जानवरों से प्यार ही ना हो, मैं उसके साथ कैसे काम कर सकती हूँ? देख बेटा, मुझे लगता है तुझे उसे समझने में कुछ गलती हुई है। मतलब? मुझे लगता है कि अगर उसे जानवरों से प्यार नहीं होता तो वो उस घायल मेमने को लेकर कार में तुम लोगों के साथ मेडिकल शॉप हॉस्पिटल के लिए नहीं भटकता। बस यूं समझ ले कि इतने साल जंगल में काम करने के बाद वो कुछ चीजें ज्यादा समझता है। अब वो मेमना छटपटाता हुआ मरता और फिर दुख पाता, उससे उसकी छटपटाहट देखी नहीं गई और उसे जो सही लगा उसने किया। वो सब ठीक है माँ, पर किसी को मारने का हक तो नहीं दिया ना भगवान ने किसी को? बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है तुम दोनों की मंजिल एक ही थी, उस मेमने को दर्द से बचाना। बस तरीका अलग अलग था, तुम इमोशनल थी और वो शायद थोड़ा प्रैक्टिकल। लेकिन किसी इंसान को एक इंसिडेंट से जज करना ये ठीक बात नहीं है रिया। मुझे लगता है तुम्हें एक बात फिर से सोच लेना चाहिए। जिस इंटर्नशिप का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, उसे खो देना मेरे ख्याल से गलत फैसला होगा। I'll think about it, पापा। आई, मुझे झुमके लेने हैं। आओ ना। हीरा ना, श्रृंगार ही खत्म नहीं होता। देखो ना, बहुत बड़े है। नहीं आई, रिया के पास बिल्कुल ऐसे झुमके हैं, मुझे भी चाहिए। देखो बराबर आता लव कर के। हाँ झुमके झुमके गए बाहर में। चल। अरे पर हुआ क्या, तू तो ऐसे डर गई जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऐसे ही कुछ समझ ले आई, वहां पर देख। क्या देखूं, वहां तो हाथी है बस। हाथी? आई तुझे पता है कि हाथी डालमा से मेरा पीछा कर रहा है। क्या? हाँ, और तो देखना जंगल से पीछा करते करते शहर तक आ गया। ये हाथी तेरा पीछा क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता, इस हाथी से जाके पूछ। हेलो, समीर सेन से बात हो सकती है? यस। हाय सर, मैं रिया बात कर रही हूँ। You remember, मैंने कॉन्टेस्ट जीता था? और तुम इंटर्नशिप नहीं करना चाहती, ये बात मैं जानता हूँ। आगे बोलो।
हाँ वो पहले मैं नहीं करना चाहती थी पर अब मैं करना चाहती हूँ। आई नो मैंने आपको पहले मना किया था पर एक बार कंफर्म करना चाहती थी कि ये ऑफर जो है वो अभी भी है। आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंच जाओ अगर इंटर्नशिप करना चाहती हो। एंड माइंड यू डोंट बी लेट। आई हेट लेट कमर्स। सो डोंट वरी मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच। एड्रेस क्या है? अजीब आदमी है, फोन कट कर दिया। देखा मां मुझे एड्रेस भी नहीं बताया और कहता है आधे घंटे में पहुंच जाओ। अब कैसे पहुंचेगी? हाँ इतना बड़ा फोटोग्राफर है किसी ना किसी को तो एड्रेस पता ही होगा। पूछ कर पहुंच जाऊ। यू जस्ट डोंट वरी हां और मैं अभी निकलती हूँ, मुझे आधे घंटे में पहुंचना है। चलो बाय। थैंक गॉड आई बच गई उस हाथी से। अब जल्दी चलाएं। अरे चिंता मत करो हम निकल जाएंगे आराम से। पर ये हाथी तेरा पीछा क्यों कर रहा है? अब मुझे क्या पता, जब देखो पीछा करने लग जाता है। यहाँ भी आ गया। साष्टांग नमन हिमाचल गौरी पुत्र विनायक। आई चुप। प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? ओ तुम्हें ये राखी चाहिए? इस राखी के लिए इतना पीछे पड़े हुए थे? अरे तुम इस राखी का क्या करोगे, ये कोई खाने की चीज नहीं है। देखना आई इस रंग बिरंगी राखी को ये कोई खाने की चीज समझ रहा है और पीछे पड़ गया मेरे। जानवर कितने बुद्धू होते हैं ना। चुप कर। हाथी गणपति जी का रूप होते हैं, इनका मजाक उड़ाएगी तो बुरा मान जाएंगे। और वैसे भी एक राखी ही तो मांग रहे हैं ना, दे देना। हाथी महाराज आपको राखी चाहिए ना, आइए हम आपको राखी दिलाते हैं। चलिए ये लीजिए हाथी महाराज आपकी राखी, रखिए। आप खुश? अरे तुम यहाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आए तो थे शॉपिंग करने पर इस स्टूपिड हाथी ने रोक लिया हमें। काजल मैंने क्या कहा था? ओके बाबा सॉरी। एक्चुअली ना इन हाथी महाराज को राखी चाहिए थी तो हमने सोचा इन्हें राखी दिला दे। और अब तो मुझे लगता है राखियों के ना दाम बहुत बढ़ने वाले हैं, जानवरों की भी डिमांड हो गई है। काजल चुप कर, क्यों ऐसी बातें कर रही है? हो सकता है इसे राखी की सच में जरूरत हो सकता है ये किसी के लिए लेना चाहता हो राखी। अरे वाह राखी तो बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी लगी मुझे राखी। चलो रख लो इसे। लो इस राखी का क्या करूंगी? तुमने तो किसी और के लिए खरीदी है ना ये राखी। अब ये हाथी चाहता है कि इस राखी को तू रखे। मैं तो पहले ही बता रही हूँ मुझे किसी का ट्रेंड हाथी लगा, या तो ये खो गया है या फिर वहां से भाग निकला है और थोड़ा सा पागल भी है। अच्छा ये छोड़ तू बता तू कहां जा रही है? अरे वो मैं समीर सेन। मुझे आधे घंटे में उसके ऑफिस पहुंचना है। पहले दिन ही लेट हो गई। सही है अब देखना सुबह से लेके शाम तक उस समीर सेन के ताने तरफ पीछा नहीं छोड़े। चुप कर जब देखो बकर बकर करती रहती है। या बेबी आप निकलो यहाँ से, लेट हो रहा है ना। हाँ जी ये तुम रख लो। हाँ मैं जाती हूँ। अरे अरे अभी तुम जाओ मुझे देर हो रही है। हाँ मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। अरे ओ अब तो ये राखी मिल गई ना तुम्हें, चलो पीछा छोड़ो उसका, जाने दो। अरे बाबा हटो ना मुझे देर हो रही है, मैं लेट हो जाऊंगी।
ओफो, मैं कितनी देर से तुझे कह रही हूँ सामने से हटना, मुझे देर हो रही है। प्लीज हट सामने से गोलू। काजल, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी बात समझ गया? ये सब छोड़, तुझे लेट हो रहा है ना, तू फटाफट ऑफिस के लिए निकल। लेट हो गई। 15 मिनट लेट हो तुम। 9:50 को कॉल किया था तुमने, 10:20 को तुम्हें यहाँ पहुंचना था, और मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे लेट कमर पसंद नहीं। सर, सिर्फ 15 मिनट लेट हुई हूँ मैं। सिर्फ 15 मिनट। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए ये 15 मिनट कितने मायने रखते हैं ये बात जानती है आप मिस रिया? महीने भर जंगल में कैंपिंग करते हैं, उसके बाद बस 15 सेकंड मिलते हैं एक परफेक्ट पिक्चर क्लिक करने के लिए। और तुमने मेरे 15 मिनट वेस्ट कर दिए। नहीं साहब, आप मुझे एड्रेस बताना भूल गए थे, फिर मैंने आपका एड्रेस नंबर 2 तोड़ा है तुमने। मेरे साथ काम करने के कुछ रूल्स हैं, जिसे तुम्हें जान लेने चाहिए। रूल नंबर 1, शार्प ऑन टाइम। रूल नंबर 2, नो एक्सक्यूजेस। रूल नंबर 3, नो नहीं अभी नहीं। ये सारे वर्ड्स मेरे डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए इसे सुनना भी नहीं चाहता। Rule number 4, and the most important, मुझसे पूछे बिना किसी भी चीज को छूना, because I don't like it. Have I made myself very clear? Good. सारा सामान ले लो, you're leaving for your first assignment. एक नंबर का खड़ूस है, लेट इज फर्स्ट क्या होता है पता ही नहीं है। How dare you touch my camera? अरे, अभी आपने ही तो बोला सामान रखने के। सामान उठाने के लिए कहा था, कैमरे को छूने के लिए नहीं कहा था। वैसे आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते? कैमरा ऑपरेट करना मुझे भी आता है। आता होगा, लेकिन मेरे कैमरे को छूने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। टाइम वेस्ट मत करो, मैं डालवा जाना है। व्हाट?
डालमा? सॉरी मैं डालमा नहीं जा सकती। व्हाट? तुम शायद भूल रही, यू आर इंटर्निंग विद अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और इस प्रोफेशन में आसपास में सिर्फ फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जंगल। आई नो, बट यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं डालमा जाऊं। आप किसी और जंगल में बोलेंगे, मैं वहां चलूंगी। मैं बार बार अपने रूल्स एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। रूल नंबर 3, मैं ना नहीं सुनना चाहता, और अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो तुम्हें डालमा चलना ही होगा, और अगर मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो घर जाओ। घर का रास्ता तो पता ही है ना? अब घर चले। बहुत परेशान किया है साथी ने, इसके थोड़े मजे लेना तो बनता है। हाथी महाराज, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रिया से राखी बनवाना चाहते हो? ओहो, तो ये बात है। बट एक बात बताओ, आप खाली हाथ राखी बनवाओगे कैसे? आपको तो पता होना चाहिए ना कि राखी बनवाने के बाद बहन को एक गिफ्ट देना पड़ता है। तो सोचा आपने कुछ कि क्या गिफ्ट दोगे उसे? थैंक यू गणेश, ये दुनिया का बेस्ट गिफ्ट है, और तुम दुनिया के बेस्ट भाई हो। अब इसे क्या हो गया? गणपति बप्पा पावला एक दचा। Come on, move it fast. कहीं ऐसा ना हो कि जानवर तुम्हारी फोटोग्राफी पहले कर दे। कैसा है दोस्त? लगता है शिकार करते करते पंजे में लग गया। ध्यान रखा कर। मैं जानता हूं हवे में बहुत बड़ा शिकारी है तुम, लेकिन अगर होशियार नहीं रहोगे ना तो किसी दिन शिकार बन जाओगे। पहली मुलाकात के बाद मुझे पता नहीं था आपको जंगल और जानवरों से इतना प्यार होगा।
कभी कभी कोई चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, और जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही बेदर्द भी होता है।